नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं UFT लाइव टीवी। झांसी बुंदेलखंड की धरा वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में 151 कुंडी महारुद्र यज्ञ, माँ नमामि नर्मदा समिति, माँ शबरी सारिया समिति एवं संघर्ष सेवा समिति गुलाबी गैंग के तत्वावधान में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मुख्य अतिथि रहे वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर झोकन बाग स्थित एसएन टावर में स्वर्गीय पहलवान सिंह परीक्षा वाले की स्मृति में 151 कुंडी गौ महिमा महारुद्र यज्ञ की माटी। मुख्य अतिथि रहे बुंदेलखंड गौरव गहुई पुत्र संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी, सैकड़ों साधु संतों एवं सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में किया गया यज्ञ व पूजन। इसके पश्चात भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ झोकन बाग स्थित एसएन टावर से आरंभ हुई। यात्रा में मुख्य रूप से माँ नमामि नर्मदा समेत, माँ शबरी सारिया समेत, संघर्ष सेवा समेत, गुलाबी गैंग, डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा माँ अंजनी अखाड़ा प्रमुख राम भक्त साध्वी श्यामा देवी माँ के पावन सानिध्य में सैकड़ों साधु संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी जी की पावन सानिध्य में साधु संत एवं भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा झांसी नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए यात्रा रानी लक्ष्मीबाई पार्क पर पहुंची, जहां उपस्थित साधु संतों एवं भक्तों ने भगवान बिरसा मुंडा को याद किया। डॉक्टर संदीप सरावगी ने भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए लोगों से कहा कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आगाज कर और ब्रिटिश सरकार के सैनिकों को नाकू चने चबाने को विवश किया। बिरसा मुंडा को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर तत्कालीन बिहार के हजारीबाग, जो कि अब झारखंड में जेल तथा बाद में रांची कारागार में बंद कर दिया, जहां उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट के कारण मात्र 25 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा अपनी माटी की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। बिरसा मुंडा के इस बलिदान के कारण उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनजातीय विद्रोहों तथा क्रांति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है और इसीलिए उन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहा जाने लगा। मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने बिरसा मुंडा जयंती व यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोगों व साधु संतों की हाजिरी में झांसी नगर में कार्यक्रम के माध्यम से 151 कुंडी गौ महाकुंडी रुद्र महायज्ञ के लिए नगरवासियों से यज्ञ पुण्य से जुड़ने के लिए कार्यक्रम में आए हुए साधु संतों एवं भक्तों का साधुवाद देते हुए राष्ट्र सेवा, गौ सेवा, मातृ सेवा के लिए साधु संतों द्वारा राष्ट्र के सभी व्यक्तियों से एकजुट होने की अपील की। आज झांसी की इस भूमि पे 151 कुंडी है रुद्र महायज्ञ की जो माटी पूजन का आयोजन रखा गया हमारे जो बिरसा मुंडा जी उनकी जयंती मनाई गई। बहुत सारे सभी सहयोगी यहाँ उपस्थित हुए। हमारे भाई डॉक्टर संदीप सरावगी जी इसमें सबसे बड़े सहयोगी हैं। इन्हीं के सहयोग से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। ध्यान में रखते हुए गौ माता ये कार्य वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति के उत्थान में ये आयोजन किया जा रहा है। ये अन्य आयोजनों जैसा नहीं है। इसमें गौ माता के व्रत से आहुतियाँ प्रदान की जाएंगी। एक चम्मच गौ घृत 1000 टन ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जैसे कि हमारी पूरी प्राचीन पद्धति वैज्ञानिक है और उसी वैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए हमारे संदीप भाई डॉक्टर सरावगी जी ये विशेष अग्रगण्य, इनको हजारों साधु संतों का मुक्त आशीर्वाद है और ये ऐसे धर्म के कार्य में आगे आ रहे हैं। हम सभी संत महात्माओं की तरफ से, सभी संत महात्मा ऐसे समाज सेवियों का वो आशीर्वाद देते हैं एवं ऐसे ही धार्मिक आयोजन होते रहें एवं पूरे समस्त राष्ट्र को यह संदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में सभी उपस्थित होकर इस आयोजन को संपन्न बनाए, सफल बनाए एवं धर्म लाभ अर्जित करें। में हम लोग उपस्थित हुए हैं वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई जी के, कहाँ है आप? ये झांसी की नगरी में सभी साधु संतों का आगमन सुनिश्चित हुआ और सभी भक्तों का आगमन सुनिश्चित हुआ। हमारे वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी जी और इन सभी ने प्रयास किया कि आज झांसी की धरती पर साधु संतों का, भक्तों का एक जमावड़ा लगा है और 151 कुंडी रुद्र महायज्ञ प्रस्तावित है। निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं इस धरती पर, ये वीरांगना की धरती है, ये वीरों की धरती है बुंदेलखंड, निश्चित रूप से यहां पर हजारों साधु संतों का आगमन सुनिश्चित हो रहा है और धर्म कर्म की नदियां बहेंगी। हमारी पूज्य साधु जी जो माँ अंजनी अखाड़ा पंच दस नाम माँ अंजनी अखाड़ा प्रमुख हैं और सभी साधु संतों का दिव्य आशीर्वाद जनता जनार्दन को सदैव निरंतर अनवरत रूप से मिलता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस यात्रा को इसी जगह ग्राम की ओर ले जाता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी।